सो हमें देखें, हमारी एक दोस्त मिली है, क्या नाम है आपका? बनीन फातिमा। सो बनीन फातिमा है, ये भी बड़े होकर अपना चैनल बनाएंगी। बड़े होकर नहीं, आप अभी छोटे से अपना चैनल बनाओ, ठीक है? और फिर मैं आपको सपोर्ट करूंगी, आपके चैनल को सब्सक्राइब करवाऊंगी। हेलो कर दो सब लोगों को। हेलो, हां जी, सो मैं इनकी बहुत बड़ी फैन हूं। हाय, थैंक यू। हेलो एवरीवन, हाय, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। सो अभी मैं काफ़ी देर से एक सैलून आई हूँ, वहाँ पर बैठी हुई वेट कर रही थी। मैंने सोचा क्यों ना व्लॉग यहीं से स्टार्ट कर दूँ, क्योंकि हम लोग यहाँ आए हुए हैं आईब्रो बनवाने, एनी आईब्रो बनवाने के लिए आई हुई है, ठीक है? तो मैंने सोचा क्यों ना यहीं से ही व्लॉग स्टार्ट कर दें और फिर अपना इम्तियाज़ जाएंगे तो वहाँ पर भी कंटिन्यू कर लेंगे। अच्छा, सो ये पीछे ना मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखें कितने सारे सर्टिफिकेट्स हैं माशाल्लाह माशाल्लाह से, और मतलब कोई एक नहीं दो नहीं, बहुत सारे माशाल्लाह। और फेज़ टू में जहाँ हम लोग रहते हैं यहीं पर ही ये सैलून है, और बहुत ही ज़बरदस्त सैलून है। हम हमेशा अपनी सर्विसेज के लिए यहीं पर आते हैं, तो ईद वग़ैरह पर अगर आप लोगों को आना हो तो आप लोग आ सकते हो। मैं आप लोगों को दिखाती हूँ, इस तरह के डिस्काउंट्स ऑफ़र भी हैं। अच्छा, आपको यहाँ पे छोटे से बड़े सारे डिस्काउंट ऑफ़र मिल जाएंगे, मतलब 1500। सो मैं ये आपको जल्दी जल्दी से दिखाती हूँ, ये आप देख रहे हो डील 17। अच्छा, वैसे वन से स्टार्ट करते हैं, हम पीछे से स्टार्ट कर रहे हैं। इसमें डार्क सर्कल्स, ओपन पोर ट्रीटमेंट है, और डर्मा वाइटनिंग फेशियल, लिफ्टिंग फेशियल डील्स आप लोग सारे अपनी स्क्रीन पर देख रहे होंगे, स्क्रीन शॉट ले सकते हो। तो ज़बरदस्त डील्स हैं ये। 499 में फेस वाइटनिंग ब्लीच, ग्लो वाइटनिंग फेस क्लेंजर, मतलब इसमें क्लेंजर होता है, फिर इसके बाद मास्क होता है, अपर लिप्स एंड फोरहेड, नॉट बैड। आप देख रहे हो ये 499 वाली भी डील्स हैं, 1799। सो ये काफ़ी अच्छी और ज़बरदस्त डील्स हैं। हम लोग जब से मतलब सर्विसेज वगैरह लेने लगे हैं ना, तो यहाँ पर हमारा विज़िट होता रहता है और काफ़ी अच्छा रहता है। बोर होने से तो बेहतर था, मैंने कहा क्यों ना मैं अपना खुद का व्लॉग बना लूँ। हाँ जी, सो बोर होने से तो बेहतर था, मैंने कहा क्यों ना मैं व्लॉग बना लूँ। अब हम जाएँगे इम्तियाज़, और फिर इम्तियाज़ से हमें कुछ चीज़ें लेनी है, और बड़ा ही जो है ना वो मुश्किल है इम्तियाज़ जाना, मैं नहीं जा पा रही थी। अच्छा जी, सो अब आपको हेयर डाई करवाना हो, मतलब हेयर ट्रीटमेंट्स हो, स्किन ट्रीटमेंट्स हो, फेशियल हो, मैनीक्योर हो, पेडीक्योर हो, सारी चीज़ें आप यहाँ पे करवा सकते हो, ठीक है? ये आप देख रहे हो लॉरियल प्रोफेशनल, दिस इज़ माई पर्सनली फेवरेट ब्रांड, बिकॉज आई लव लॉरियल, बिकॉज इसके प्रोडक्ट्स बहुत अच्छे होते हैं। उसके अलावा आप देख सकते हो सामने जे डॉट मेकअप, इसका भी सर्टिफिकेट है, डर्माकॉस, लॉरियल एंड बहुत सारे ब्रांड्स के साथ इन्होंने जो है वो ट्रेनिंग की हुई है, और काफ़ी एसोसिएशन है इनकी, तो आप लोग विज़िट करो। ये देख रहे हो नेहाज ब्यूटी सैलून एंड फेस टू। अच्छा जी, सो कैसा चल रहा है आप लोगों का रोज़ा, क्या हाल है? मेरा तो बहुत टफ़ चल रहा है, सोचा था डेली व्लॉग बनाऊंगी लेकिन नहीं बना पा रही हूँ, क्योंकि बिज़ी इतना हूँ, रूटीन ऐसी चल रही है। फिर भी थोड़ा सा जोड़ तोड़ करके मैं कुछ ना कुछ तो बना ही लेती हूँ। अभी देखते हैं इम्तियाज़ जाते हैं तो वहाँ वीडियो बना पाती हूँ कि नहीं, क्योंकि वहाँ तो इतना रश होता है, आई होप इस वक्त ना हो। तो फिर अब हम इम्तियाज़ में ही डायरेक्ट मिलेंगे, एनी का वेट कर लेते हैं और जल्दी से फिर वो आ जाए तो इम्तियाज़ चलते हैं। ओके गाइस, सो डायपर हम लोग ले चुके हैं, और उसके बाद मैं आप लोगों को दिखा रही थी जल्दी से, मैं आप लोगों को ये दिखा रही थी मी एंड माई की जो वाइप्स देख रहे हो ना, बेबी वाइप्स, ये बहुत अच्छी होती हैं, आप लोग यूज़ कर सकते हो। 72 होते हैं इसके अंदर, और प्राइस भी इसके काफ़ी अच्छे हैं। और इसके अलावा अगर आप देखो 299 के कैन बेबी के हैं, और बाकी सारे हगीज़ और बहुत सारे हैं। सो चलो अब इसके बाद हम लोग लेते हैं, और दो चार चीज़ें हमें लेनी हैं फिर वो पिक करते हैं। मेरे ख्याल से है नहीं, एक पूरा सिरिलैक हमारे पास अभी पड़ा हुआ है, तो ये एक बॉक्स काफ़ी है ना। वो कह रहे थे दो या तीन लेकर आना, फिर बाद में जाने का मसला होता है। इसके प्राइस भी 659 हो चुके हैं, क्या करूँ, दो ले लूँ?
वैसे मैं सेरेलैक से अच्छी ग़िज़ा उसको दे रही हूँ, मेरे ख्याल से एक ही काफ़ी है, बाकी अभी पड़े हुए माशाल्लाह। चलो ठीक है, ओके। अरे वाह यार, अगर ये बनानी हो तो ये हैं फुल्की, काशिफ़ के लिए बना दूँ अगर मैं, लेकिन यार मैं बनाती अच्छी नहीं हूँ ना। अरे चलो तुम्हारे लिए यार ड्रामेबाजी करती। एक मैं ये अपने घर के लिए भी ले लेती हूँ, फैनी काशिफ़ बोल रहे थे खाने के लिए, रहमत शीरी वालों की है। हाँ खजला खाती हो तुम लोग? बस फैनी ले लो, क्योंकि मैं तो खजला नहीं खाती हूँ, सिर्फ और सिर्फ फैनी खाती हूँ। सो गाइज़ आप लोग देख रहे हो सारी चीज़ें अवेलेबल होती हैं इम्तिया। एक ज़ाफ़रान खीर ये वाली ले लेते हैं, आप लोगों को खीर बना के खिलाऊंगी मैं, तो फिर ये वाली रहने देते हैं, क्योंकि पता नहीं कैसी हो टेस्ट में, कैसी ना हो। बाकी कस्टर्ड वगैरह बनाने के लिए कुछ लूँ, मेरे ख्याल से खीर काफ़ी रहेगी। सो हम प्लान कर रहे हैं इन लोगों का रोज़ा हमारे घर पर खुलवाया जाए, तो उसकी तैयारी करी हूँ, मुझे कुछ चीज़ें चाहिए थी तो मैंने सोचा वो ले लूँ। खीर मिक्स हमने ले ली है और बाकी सारी चीज़ें हम लेने के लिए आए हैं, और बेचारी अपनी बहन ऐनी को कॉल करने के लिए यहाँ लाई। A few moments later. कॉफ़ी चाहिए हमको 529। नहीं ये किसकी है, क्लासिक तो नहीं चाहिए हमको, हमारी यही वाली नॉर्मल वाली कॉफ़ी चाहिए। जी सर, क्रीम कलर, क्रीम कलर, दैट्स व्हाट आई एम। कब से बेबी शॉक करे जा रही रास्ता वगैरह देखने के लिए। अच्छा सो मैंने जो है ना वो अजान के लिए गुड़ लिया है, ताकि मैं उसको शुगर से अवॉइड करवाऊँ, तो पिसा हुआ जो है वो गुड़ हमने ले लिया, मैं आप लोगों को दिखाती हूँ ये वाला। तो इससे क्या होगा कि उसको शुगर नहीं देना चाह रही मैं, क्योंकि मैं ख़ुद भी विदाउट शुगर ही सारी चीज़ें लेती हूँ एंड बहुत अच्छा रहता है। बाकी अपन ने ये सूजी ली अजान के लिए, आ जाओ बेटा अब हम लेंगे पास्ता शास्ता। चिकन वाइट कोरमा एक, चिकन टिक्का हमारा ख़त्म हो चुका है, चिकन टिक्का ले लेते हैं एक, और इसके अलावा चाट मसाला वगैरह तो कुछ भी नहीं चाहिए, बिरयानी भी नहीं चाहिए, पुलाव भी नहीं चाहिए। कीमा मसाला सारे मसाले ले लिए हमने, बनाना मुझे कुछ भी नहीं है, खाना मम्मी की तरफ ही है, फिर भी लेके रख लेती हूँ मैं, कभी अगर हस्बैंड के लिए बना लिया कुछ तो बना लिया। A few hours later. ये बोल रही हूँ स्टडी टेबल, और यू नो आई जस्ट लव दिस। हाउ मच इज दिस फॉर? 5,000 rupees। हैवी लड़के की ना, लेकिन वो मजाल है जो उस पर बैठ के पढ़ ले। एनी आई जस्ट लव दिस, लेकिन ये अभी के लिए नहीं है ना, उसके लिए बहुत स्पेस चला। नहीं स्पेस छोड़ो, लेकिन अभी वो बड़ा भी तो हो गया माशाल्लाह, वो इसमें लेटेगा कोई बताओ कभी भी? ओके गाइस, तो यहाँ पे देखें कितनी प्यारी प्यारी चीज़ें हैं, बच्चों की गाड़ी शाड़ी है और दूसरी चीज़ें हैं, तो बड़ा दिल करता है मेरा अजान के लिए लेने का, लेकिन माशाल्लाह अजान ऐसा हवा की तरह जा रहा है कि किसी चीज़ में बैठने के लिए तैयार ही नहीं रहता। लेकिन याद है किसी के घर पे जाया करते थे ना, नॉर्मली किसी का घर बना करता था, मिलाद होता था कुछ, यू नो रेनोवेशन के बाद जब फर्स्ट टाइम वो लोग रखते थे, तो ये फ्रूट सेट लेकर जाया करते थे, एंड उस वक्त इसके प्राइस 399 होते थे, एंड नाउ दिस इज़ 599, नॉट दैट बैड। Yes. तो यार मुझे डेकोरेशन का गाइस बहुत ज़्यादा शौक है, लेकिन जस्ट बिकॉज ऑफ अजान मैंने काफ़ी सारी चीज़ें अपने घर की हटा दी हैं, वरना माशाल्लाह से हमने इस घर को बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से सेट किया हुआ है। अभी भी वो तोड़ता रहता है और काशिफ जोड़ते रहते हैं, लेकिन मुझे बहुत ज़्यादा शौक है ये आर्टिफिशियल प्लांट्स वगैरह का ना, बहुत ज़्यादा। सो चलो अजान थोड़ा बड़ा हो जाए उसके बाद फिर लेंगे इस तरह का कुछ। वैसे माशाल्लाह हमारे घर ऑलरेडी बहुत ज़्यादा ये सारी चीज़ें हैं, सो यस लेट्स गो। हाँ उसको पहना के चेक करना पड़ेगा ना, ब्लैक कलर है इसमें, वाइट कलर है गाइस, और इसके प्राइस हैं 899, एंड आई जस्ट लव दिस बिकॉज ऑफ साइज़। मैं सोच रही हूँ कि उसको लेकर आऊँ, साइज़ देख लें हम लोग, ये ना उसका बड़ा छोटा हो, लेकिन काफ़ी सारी कलेक्शन है। मुझे इस तरह के बच्चों वाले ना ये सब मुझे पसंद नहीं है, मुझे इस तरह की कुछ प्लेन वेराइटी पसंद है, और उसके ये वाले शूज़ भी तो लेने होंगे, ये 1500 रुपये के इनके पास, नॉट बैड। चलो फिर उसको साथ लेकर आएँगे, फिर ही ले लेंगे, है ना। इसके बाद काफ़ी टाइम से मुझे अपना डस्टबिन चेंज करना था, मुझे ऐनी ने बोला अल्लाह के वास्ते कर लो, बिकॉज़ अजहान के डायपर्स फेंकने के लिए ना मुझे एक अलग से डस्टबिन चाहिए, जो कि मैं बाहर रख दूँ और वो इजी हो जाए, घर का डस्टबिन डिफरेंट हो, और एक ड्राई डस्टबिन हो और एक लिक्विड वगैरह के लिए हो। सो वेल उसके बाद फिर यहाँ से हाइड्रोन क्रीम ले ली है, हमारी जो झाइयाँ हैं
वो बरकरार हैं। अगर हम क्रीम्स ना इस्तेमाल करें तो वो झाइयाँ वैसे ही रहती हैं। सो दिस इज़ द बेस्ट क्रीम, इसकी वीडियो मेरे चैनल पे मौजूद है हाई टोन क्रीम की, आप लोग जाकर देख सकते हो। बहुत ज़बरदस्त झाइयों वाइटनिंग के लिए क्रीम है, मैंने भी यहाँ से अभी परचेज़ की है। ओके गाइस, सो हाई टोन क्रीम मैंने ले ली है, यहाँ से आपको असली मिल रही है, आप लोग ले सकते हो इम्तियाज़ से। मैंने ना अपनी बहन को हाई टोन क्रीम दिलवाई है, एनी को। क्रीम कहाँ है दिखाओ, मेरे बैग में। अच्छा, उसने बैग में रख ली है। सो मैंने उससे पैसे नहीं लिए, उसने बहुत बोला, लेकिन मैंने बोला नहीं मैं नहीं ले सकती तुमसे पैसे, मैंने उसको गिफ्ट कर दी हाई टोन क्रीम। हाँ मैं अच्छी बहन हूँ, पता मुझे। आज की जो हमारी फिफ्थ सिक्स सेवन मतलब सातवीं सहरी है समझे, वो इम्तियाज़ में गुजरी है। तो ये था हमारा आज का ब्लॉग, सो आई होप यू लाइक दिस ब्लॉग। इफ़ यू लाइक दिस ब्लॉग सो प्लीज़ लाइक माई वीडियो, शेयर माई वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। एंड यस, अभी हमें एक साल लग जाएगा यहाँ पर पेमेंट करवाते करवाते। और सबसे बड़ी खुशी मुझे ये है कि मुझे मेरी बहन ने गैरत दिला के आज एक बोला डस्टबिन ले लो, अपने घर का डस्टबिन चेंज करो, बिकॉज काफ़ी टाइम से मैं एक ही डस्टबिन पर गुजारा कर रही थी। मैं सिर्फ दो चीज़ें लेने आई थी एज़ यूजुअल, और माशाल्लाह इतनी सारी चीज़ें ले ली हैं, आई डोंट नो व्हाई हाउ। लेकिन मुझे नहीं भेजते हैं ना मेरे शौहर, वो बहुत अच्छा करते हैं, लेकिन उन्होंने मुझे भेजा तो मैंने यही करना, मैं अंजाम देने। चलो बाय। ए फ्यू मोमेंट्स लेटर, सो हमें देखें हमारी एक दोस्त मिली है, क्या नाम है आपका? बनीन फातिमा। सो बनीन फातिमा है, ये भी बड़े होकर अपना चैनल बनाएंगी। बड़े होकर नहीं, आप अभी छोटे से अपना चैनल बनाओ, ठीक है? और फिर मैं आपको सपोर्ट करूंगी, आपके चैनल को सब्सक्राइब करवाऊंगी। हेलो कर दो सब लोगों को। हेलो। हां जी, मैं इनके बहुत बड़ी फैन हूं। हाय, थैंक यू बेटा। सो ये लोग मेरी वीडियो देखते हैं और बड़े प्यारे बच्चे मुझे पहचान गए, मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है भाई। थैंक यू, थैंक यू। आपका नाम क्या है? नेहा। नेहा कंवल। अच्छा, नेहा कंवल, ओके, थैंक यू नेहा। आप लोग ये व्लॉग देखना, अच्छा कल डाल दूंगी मैं। बाय बाय। बाय बाय। थैंक यू, बाय बाय। ना प्यारा डिजाइन लग रहा है ना बेटा आपका ये, माशाल्लाह। मेरी भी है लेकिन वो दूसरी कैसी है। बहुत ही प्यारा डिजाइन लग रहा है, इनको फैशन का बहुत शौक है। हाँ, बहुत शौक है। मेकअप का भी। आपको भी है? भी है, इसको लाए। वाह भाई, माशाल्लाह माशाल्लाह, बड़ी प्यारी बच्ची है। आज मुझे अफसोस हो रहा है कि मैं अपना ऐसे ही मुँह उठा के आ गई हूँ, लेकिन क्या करूँ, मेरे पास टाइम ही नहीं था। मैंने बस ऐसे ही रैंडम प्लान किया था, तो ना तैयार हुई ना कुछ, बस पहना और अच्छी लग पाया है। थैंक यू, मेरा मेकअप के लोग ज़्यादा अच्छे लगते हैं। क्या रही है तो आपको? बस गाइस, अब हम करवा रहे हैं बिल। आई होप आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया हो, एंड इन बच्चों के लिए बहुत सारी दुआ कीजिएगा, मेरा बहुत सारा प्यार इनके लिए।